नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। नशे से आजादी के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने योग कर नशे से दूर रहकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश राणा ने बताया कि जब कोई युवा खेलों में भाग लेता है, रोजाना खेल के मैदान में पसीना बहाता है, तो उसकी इच्छा शक्ति उसे नशे से दूर रखती है। इसलिए इस योग कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि नशे से दूर रहें और प्रतिदिन व्यायाम करें, सैर करें, खेलों को हाँ और नशे को ना कहें। उन्होंने बताया कि आज समाज सेवी संस्थाओं के साथ नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बैठक भी की जाएगी और साथ ही साथ शाम को कैंडल मार्च निकालकर नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, लगातार जो ये 12 से 26 तक का नशे से आज़ादी का पखवाड़ा चल रहा है, उसी के संदर्भ में आज ये पुलिस लाइन में योगा का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी थानों से और हमारे पुलिस लाइन के रहने वाले क्वार्टर से सभी अभिभावकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम आज रहा। देखिए, कोई भी नशा जो है, अगर हमें ख़त्म करना है समाज से या समाज को नशे से दूर करना, अपने युवाओं को बचाना है नशे से, तो उनको खेल से और योगा से इससे जोड़ना होगा। सबसे ज़रूरी है, जब हम ग्राउंड से जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम नशे से दूर रह सकते हैं। बस यही मेरा संदेश है कि आप सवेरे उठें, ग्राउंड में आएँ, योगा करें, खेलें और नशे से दूर रहें। इसके अलावा भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज शाम को कैंडल मार्च है और अभी 11 बजे एक SP साहब के उसमें जनतव्य में एक मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें कई NGO जो नशे को छुड़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं उनको बुलाया गया है, जो बच्चे जिन्होंने नशा छोड़ा है, जिनका इलाज कराया गया है, और भी कई अफसर उसमें आ रहे हैं। और आज 11 बजे मीटिंग रखी गई है, शाम को कैंडल मार्च।